Hello everyone, I am Shiva Mutha, owner and founder of 3D Learning Academy in MockZone. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for IFT 2021 exam, because I am going to discuss some important topics of GK that can be asked in IFT. So guys, हमने आप लोगों से बोला था कि GK की वीडियोस बनने वाले हैं IFT पे. कल मैंने एक टेस्ट का वीडियो बनाया भी था. ठीक है, तो गाइस अब GK की सीरीज शुरू हो गई IFT की. दिस इज पार्ट वन. कई वीडियोस बनने वाले हैं और अच्छे से अगला चैनल को फॉलो करो गाइस. आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज काफी वीडियोस आने वाले हैं. एंड आपने जितने भी जीके की वीडियोस मैंने वो अच्छे से देखा, तो आपका एटलीस्ट मेरे ख्याल से कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाना चाहिए, बिकॉज जीके वास्ट है. तो बहुत बड़ा प्रॉमिस नहीं करेंगे, बट स्टिल काफी लोग स्ट्रगल करते हैं कट ऑफ क्लियर करने में. ठीक है, होने को काफी अच्छे नंबर भी आ सकते हैं, बट स्टिल मेरा मानना है कि कट ऑफ आपका क्लियर, आपका नंबर का एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो गाइस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, बिकॉज काफी लोग वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो लाइक करने से वीडियो ऊपर आता है. एंड फिर से बोल लूंगा सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज डेली वीडियोस बन रहे हैं IFT पे ही नहीं, खाली टेस्ट पे भी, सीमैट पे भी, सीटी पे भी और कैट पे भी हम लोग बनाने वाले वीडियोस, कैट 2021. ठीक है, तो गाइस कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब. चलो गाइस लेट्स स्टार्ट. सो गाइस अवार्ड्स एंड ऑनर्स से बात होगी मेनली आज. ठीक है, काफी पूछा जाता है, ये बिजनेस अवेयरनेस का पार्ट है. मेनली बिजनेस अवेयरनेस टेस्ट मैट में भी आती है, आधी सब में है, बट टेस्ट मैट में भी काफी मतलब वेटेज है उसका. ठीक है, तो ये सबके लिए है, मतलब एक तरह से IFT का ऐसा नहीं है. ठीक है, तो गाइस जल्दी देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ना. वर्ल्ड फूड प्राइस 2020 विनर कौन है? डॉक्टर रतन लाल. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड फूड प्राइस 2020 विनर एसोशैम एंटरप्राइज ऑफ सेंचुरी अवार्ड रतन टाटा. एसोशैम एंटरप्राइज ऑफ सेंचुरी अवार्ड रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जावेद अख्तर को मिला है 2020 का. सब लेटेस्ट है और लेटेस्ट ही आ सकता है. ठीक है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 रस्किन बॉन्ड को मिला है. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टाटा लिटरेचर का रस्किन बॉन्ड. 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स डॉक्टर कैरोलिना एराजो. ठीक है, डॉक्टर कैरोलिना एराजो. ठीक है, पुलित्जर प्राइज 2020 डॉक्टर यासीन मुख्तार खान एंड शनि आनंद. ठीक है, तो ये गाइस इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछ सकते, क्वेश्चन किसमें सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नॉट अ विनर ऑफ पुलित्जर प्राइज 2020. अब तीन नाम ये दिए होंगे, एक नाम कोई और होगा, आपको तीन नाम ये पता नहीं, तो आप पता ही नहीं पाओगे. तो आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए, डर यासीन, मुख्तार खान एंड शनि आनंद. बेस्ट फीफा मेन्स प्लेयर 2020 रॉबर्ट लेवांडोव्स्की. ठीक है, ये आप ये भी याद रखना कि गाइस पोलैंड के हैं ये. ठीक है, इसे भी याद रखना, कुछ ही हो सकता है वो. ठीक है, देन वी हैव बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2020 यूसी ब्रोन्स इंग्लैंड. ठीक है, एबल प्राइज मैथमेटिक्स से दिया जाता है. इसराइली अमेरिकन हिलेल फर्स्टेनबर्ग एंड रशियन बॉर्न ग्रेगोरी मार्ग्यूलिस. ठीक है, ये सब नाम थोड़े अजीब है, रट लेना अच्छे से. ठीक है, पॉज कर लो चाहे वीडियो को आप. टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सॉरी रिपीट हो गया, रस्किन बॉन्ड है. ठीक है, ऊपर भी था फोर्थ में भी. बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया कैटेगरी कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंपॉर्टेंट है. बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया, ठीक है, एंड सेंट्रल एशिया कैटेगरी. पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी गेट्स ग्लोबल अवार्ड फॉर डब्लिन टाइगर पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है. फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट द रिचेस्ट इन 2020 जेफ बेसोस. बुकर प्राइज फॉर फिक्शन स्कॉटिश राइटर डोगलास स्टुअर्ट हैज वॉन द 2020 बुकर प्राइज एंड फॉर फिक्शन. ठीक है, ही हैज बीन अवॉर्डेड फॉर हिज डेबिट नॉवेल शगी बेन. बुक का नाम याद रखना, ये पूछ लेगा कौन सी बुक थी उनकी. ठीक है, तो दो नाम इंपॉर्टेंट है, डोगलास स्टुअर्ट एंड शगी बेन की बुक का नाम है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 बैंक ऑफ घाना. ठीक है, 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड केजांग डी थोंगलॉक. पीएटीए पैटा ग्रैंड अवार्ड 2020 केरला टूरिज्म इंटरनेशनल अक्लेम्ड ह्यूमन नेचर कैंपेन हैज बैग्ड वन ऑफ द थ्री पैटा ग्रैंड अवार्ड 2020. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. द अवार्ड रिकॉग्नाइज द कैंपेन्स मार्केटिंग गिविंग ए ह्यूज स्टिमुलस टू द स्टेट्स टूरिज्म इंडस्ट्री विच हैज बीन सीवियरली इंपैक्टेड कोविड-19 पैंडेमिक. ठीक है, तो केरला का रख लेना, पैटा के नाम से केरला याद आना चाहिए आपको. नेशनल अवार्ड DRDO. ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2020 मिला है. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबोरो वॉज कन्फर्ड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एट ए वर्चुअल इवेंट ऑन 7 सितंबर 2020. ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हमारा ये लिस्ट हो गई थी. अब हमारा कुछ ये इंपॉर्टेंट है काफी, टेनिस ग्रैंड स्लैम हमेशा आता है एग्जाम्स में, चाहे आपको सीमैट हो, चाहे IFT हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो. तो गाइस यहाँ पे मेन सिंगल्स एंड वुमेन सिंगल्स सबके इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो आप रट लो, थोड़े अजीब नाम होते हैं, रट पाओ तो रट लो. मेन सिंगल्स वुमेन सिंगल्स पूछता है, तो ऑस्ट्रेलियन में मेन सिंगल्स अगर देखें तो नोवाक जोकोविक है, ये भी आना कहाँ के हैं, ये सर्बिया के. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. वुमेन सिंगल्स सोफिया कैनन यूएस की. ठीक है, तो ये मेन सिंगल्स वुमेन सिंगल्स याद करो, एनएस से याद कर सकते हो. ठीक है, SAN कोड बना लो, S आपका हो गया वुमेन्स के लिए, N आपका हो गया
मेंस के लिए और ए आपका ऑस्ट्रेलियन। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो कुछ ऐसा कोड बना सकते हो आप, क्योंकि तो कई इस तरह के चार होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज हो जाए ना किसका कौन सा है, और ये आता काफ़ी है अपने अकॉर्डिंग, आपको जो ईजी लगे बना लेना कोड, ठीक है। आपको ऐसा कोड बनाओ कि आपको याद रहे, चाहे वो किस, चाहे वो उसका कोई सेंस हो चाहे ना हो, कोई मतलब थोड़ी उधर सेंस होने से क्या मतलब है, ठीक है। आप भी को करना है वो याद कर लो, चाहे जैसे करो, ठीक है। जीके है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोड बना के पढ़ने से हो जाती है अच्छे से, स्टैटिक मेनली। यूएस ओपन 2020 विनर्स मेन सिंगल्स होता है, मेन सिंगल्स कौन था, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम, ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम। वुमेन सिंगल्स है जापान के नाओमी ओसाका, ठीक है, नाओमी ओसाका, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो मेन सिंगल्स एन ए यू यू ए एन, यू ए एन करके कर सकते हो, यूएस ओपन के ऑस्ट्रिया, नहीं यू ए नहीं, डी से है ना उनका नाम, तो डी यू एन डन कर सकते हो इनको आप, ठीक है। तो डी आपका हो गया डोमिनिक, या एन यू डी कर दो, ठीक है, वो डन कर दो, कुछ भी कर दो आप, आपके ऊपर है। बीच में आपका यू से यूएस ओपन आ जाएगा, बाकी डी से आपका डोमिनिक आ गया, एन से आपका नॉमी आ गया, तो आपको एक हिंट रहेगा, ठीक है। ऐसा कर सकते, कोड बना सकते हो आप। फ्रेंच ओपन 2020 विनर कौन है, मेन सिंगल्स राफेल नडल, ठीक है, इनका नाम काफी आता है, स्पेन के हैं ये। वेमेन सिंगल्स हैं इगा स्वैटिक, पोलैंड के हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, आर आई एफ कर सकते हो इनका, आर आई एफ, ठीक है। फिर ऐसे कर दो, एफ आई आर कर दो, या फिर बीच में होना चाहिए फ्रेंच, वरना कन्फ्यूज होते हैं आप, तो आई एफ आर कर दो, आपके ऊपर कैसे करना है, कोड बना लेना कोई आप, ठीक है। इटालियन ओपन 2020 विनर्स कौन है, इटालियन के मेन सिंगल्स में नोवाक जोकोविक है, ठीक है, सर्बिया के, एंड वेमेन सिंगल्स में सिमोना हेलेप है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये चार आपके थे, ये गाइस इससे आता बहुत है, पढ़ लेना अच्छे से, रट लेना अच्छे से, ठीक है। तो गाइस ये हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स का मेन मेन कवर कर दिया, क्योंकि अब टाइम कम है, 10 दिन में गाइस इतना सारा पढ़ने का फायदा नहीं है, 150 पेज की वीडियो देने रट ही नहीं पाओगे, फायदा क्या है। तो इससे ऐसा पढ़ो जिससे जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, ताकि आपका 3-4 नंबर आ जाए, बाकी करंट अफेयर्स तो हम मान रहे हैं पढ़ रहे होगे अपने आप ही, ठीक है। अपने आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो गाइस, जिन्होंने मार्क्स लिए हम लोगों के, उन लोगों को हमने ग्रुप में भी ऐड कर दिया, ग्रुप में हम डेली डाल रहे हैं। एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया एफटी ऑफिशियल करके, वहां पे काफी कुछ डालना है स्टैटिक का, ठीक है। अभी और डालेंगे, आज आज या कल में डाला था हमने काफी कुछ, ठीक है। बाकी एक पीडीएफ भी बन रही है, ठीक है, वो भी इस ग्रुप में जाएगी, वो पीडीएफ 10-12 पेज की होगी, उसमें आपको पूरा समरी होगा जीके का, बिजनेस अवेयरनेस का। सो गाइस दोस्त वो लुकिंग फॉर आईएफटी मॉक्स, मॉक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बताइए, एनमैट स्नैप आईएफटी कोई भी एग्जाम हो, हाईली स्पीड बेस्ड होते हैं, काफी अच्छे मॉक्स हैं गाइस हम लोगों के, 10 फुल लेंथ मॉक्स हैं आईएफटी के। लास्ट ईयर एनडीए ने कराया पेपर, हल्का सा पेपर, इजी था कम्पेयर टू पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है, और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है। प्राइस हमने इतनी कम कर दी है, कोई भी आराम से ले सकता है, 699 के 10 मॉक्स हैं आराम से, दो अभी है क्या 15 तारीख है, 24 का पेपर आपका। आजकल लोग एक दिन में दो दो मॉक दे रहे हैं, तो आपको देना चाहिए मॉक्स, ठीक है। और बाकी जीके की चिंता मत करो गाइस, आईएफटी के मॉक्स लोगों के, जीके हम कराई देंगे आपकी कैसे भी करके, ठीक है। वैसे भी तो यूट्यूब में बन रहा है वीडियोस, वो बात नहीं है, बट स्टिल बता रहे हैं आपको हेल्प मिलेगी एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि आईएफटी में सब लोग जीके में स्ट्रगल करते हैं। मैंने कई बार देखा है लोग, कितने लोग का मैं देखता हूँ हर साल ग्रुप्स में, सब कुछ क्लियर हो जाता है, जीके रह जाती है, ठीक है। तो कम टाइम में अच्छी जीके पढ़ने का तरीका हो जाएगा अच्छा, ठीक है। बाकी आप रिव्यूज देख सकते हो, पहला रिव्यू, ठीक है, और भी काफी रिव्यूज वगैरह हैं है, बाकी एग्जाम्स के भी, ठीक है। तो हम लोगों ने हर मॉक्स को बिल्कुल ट्राई किया है, अपना बेस्ट दिया है कि बेस्ट से बेस्ट मॉक्स बनाए, ठीक है। और कभी भी कोई क्वेरी आती है बच्चों की, तो बच्चों की क्वेरी तुरंत तुरंत सॉल्व हो जाती है, काफी रिव्यूज इसके ऊपर आए भी हैं, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, फिर से बोल लो गाइस, सब्सक्राइब कर दो कि लगातार वीडियोस बन रहे हैं। ये वीडियो पोस्ट हुआ अभी, आज से अभी से 6-7 घंटे बाद दूसरा वीडियो पार्ट 2 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आप बिल्कुल फॉलो करके रखो इसको, और शेयर करो जितने ग्रुप्स में कर सकते हो, ठीक है, बताओ लोगों को इसके बारे में, ताकि लोग परेशान ना हो, ठीक है। 150 पेज की पीडीएफ पढ़ने से बहुत ज्यादा वो हो जाता है, ठीक है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।